गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू रिलीशियस किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। किसी ने खूब खा है, मौसम बहुत सर्द है दोस्त, चल कुछ ख्वाहिशों को आग लगाएं। पर जनाब, हम लेडीज के पास ख्वाहिशों को आग लगाने का दम या गैस जलाने की हिम्मत नहीं हो रही सर्दी में, पर हम जलाएंगे। जी हाँ, आज बनाएंगे मूली आलू की लच्छेदार सब्जी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आलू और मूली की लच्छेदार सब्जी। बहुत टेस्टी होती है, बहुत डिफरेंट होती है। पहले हमने आलूओं को, बड़े बड़े आलू ले लीजिए तो उससे लंबे लंबे लच्छे निकलेंगे। तो आपने आलू को इस तरीके से छील लेना है, पहले धो लीजिए, छील लीजिए, फिर वापस से धो लीजिए नमक के पानी में। बहुत पेस्टिसाइड्स डलते हैं आजकल, तो आप अच्छे से नमक डाल के, सोडा, मीठा सोडा डाल के चुटकी भर धो लिया कीजिए। इसके साथ ही ये मेरे किचन गार्डन की मूली है, फ्रेश फ्रेश मूली बाजार में बहुत आ रही है, इनको भी आप छील लीजिए और आलू के साइज़ के बराबर लंबा लंबा काट लीजिए। और फिर हम इसको पील करेंगे धो के। ये सब्जी जो है इतनी टेस्टी बनती है, इसमें आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं, गाजर आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मूली ऐसे बच्चे खाते नहीं है, इस तरीके से सब खा लेते हैं, तो बहुत ही शानदार सी। अब हम इसको धो के ले आते हैं और फिर हम इसको पील करते हैं। ये देखिए, ये पीलर मैंने अमेजोन से लिया था 378 रुपीज़ का, लेकिन ये बाज़ार में और सस्ता मिलता है, ये आप ज़रूर खरीदिए, बहुत ही ये मैं रिकमेंड करूँगी। और इससे क्या होता है कि आप चाइनीज़ खाने के लिए भी इतनी झटपट इसके पतले पतले स्लाइसेस निकल जाते हैं, और सैलेड के लिए अगर आप पपाया, रॉ पपाया सैलेड बना रहे हैं, कोई भी सैलेड बना रहे हैं, इतनी फुर्ती से निकलते हैं, इतने खूबसूरत दिखने में, इतने शानदार। कल मैं एक और इसकी रेसिपी शेयर करूंगी इसी पीलर के साथ, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल आज की रेसिपी इंजॉय कीजिए। आपने मूली को इस तरीके से काट लेना है और आलूओं को भी इस तरीके से छील लेना है, इसके पतले पतले स्लाइस अपने आप बनते जाएंगे, ज़्यादा चाकू चलाने की ज़रूरत ही नहीं। ये देखिए इस तरीके से, तो ये आप ज़रूर खरीदेगा, बहुत ही सस्ता भी है और बहुत काम वाली चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने लच्छे बना लिए, खूब सारे, मिनटों में बन जाते हैं जनाब। हाँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अब वॉश नहीं करना, हम पहले वॉश कर चुके हैं, नहीं तो ये पानी ले लेंगे तो क्रिस्प नहीं बनेंगे। तो ये लेके हमने अब आग जला लेनी है। जी हाँ, अब वक्त आया है लाइटर से आग लगाने का। तो बस 2 चम्मच तेल डालिए, सरसों का तेल डाला है, इसमें हरी मिर्च लंबी लंबी 4 मिर्चों को 4 भाग में करके, और थोड़े से करी पत्ता डाल दीजिए, और हम डालेंगे इसके साथ हींग 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून कह लीजिए, हींग ज़रूर डालेगा आप। अगर अजवाइन खाते तो अजवाइन डालिए, 1 चम्मच सरसों के बीज डालिए, बीज मतलब दाने डालिए, और जीरा डालिए, और उसके साथ ही अगर आप अजवाइन डालते हैं तो 1/2 से 1 चम्मच अजवाइन डाल सकते हैं इस वक्त, और सब्जी को डाल दीजिए। तेज आँच पर ही रखना है आपने सब कुछ। जी हाँ, अच्छे से मिलाइए इसको, इसको करारा करासा, ये बहुत झटपट बन के बनती है क्योंकि सब पतले पतले स्लाइस हैं, ये मुश्किल से 2 मिनट लेती है पकने में। जी हाँ, इसको हिला दिया, अब हम इसमें कुछ मसाले कम डालेंगे। मसाले डालेंगे, ये मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए, पर कोशिश कीजिए नमक कम ही खाएँ। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन 1/2 चम्मच मेरे ख्याल सफिशिएंट है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च, हमने हरी मिर्च भी डाल दी, देगी मिर्च आप इस वक्त डाल सकते हैं 1 चम्मच, मैंने नहीं डाली। अगर आप कलर अच्छा चाहते हैं तो 1 बड़ा चम्मच आप अच्छे से इसमें धनिया पाउडर डाल दीजिए, और इसके साथ ही आपने इसको फिर हिला लेना अच्छे से, ज़्यादा कुछ मसाले आपने डालने नहीं है, इसको हिला के आपने तेज आँच पर ही रखना ताकि इसका पानी जो थोड़ा बहुत है वो सूख जाए। 1 से 2 मिनट बाद आप इसको खोलिए और इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला या 1/2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच आपने सब्जी करी मसाला जो आता है वो डालिए, या पाव भाजी मसाला। अब जो गेम चेंजर है वो है टमाटो सॉस। जी हाँ, टमाटर का सॉस डालिए 1 बड़ा चम्मच टेबलस्पून। टमाटर सॉस से क्या होगा, इसमें जो कसैलापन है मूली का वो कम हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी। और ऊपर से कसूरी मेथी डाल दीजिए 1 चम्मच। अब हमने हरा धनिया ले लिया है, उसको हम काट देंगे बारीक। हरा धनिया बहुत सारा पहले भी डाल सकते हैं मिला के, हमारी सब्जी देखिए तैयार भी हो गई, सब्जी इतनी टेस्टी, खुशबू ऐसी आ रही है कि बस, है ना। थोड़ा सा मीठापन है, थोड़ा सा कसैलापन है, बहुत ही लाजवाब सी सब्जी है। इसके ऊपर फिर से हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भुरक देंगे और हरा धनिया खूब सारा। अब क्या करना है आपने, इसमें नींबू का रस वो ज़रूर डालिएगा, नींबू का रस से बहुत ऐसा चाट जैसा फ्लेवर आता है। इसके साथ पकोड़े होते हैं, राम वड़े होते हैं जो पकोड़े, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ट्राई कीजिएगा ये सब्जी। और जब बच जाए, लेफ्ट ओवर हो जाए तो आप इसके पराठे बना लीजिए दूसरे दिन, बहुत ही शानदार, बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, बूढ़े भी खाएंगे और बहुत खुश होकर खाएंगे। जी हाँ, तो कल मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी, नई सुबह, नए दिन में आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।